टू सी यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अरनाज जी, आपने हमारे देश का नाम और लाइक रोशन किया है। तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ मिस यूनिवर्स कप का, और ये जो आपने क्राउन जीता है वो अपने आप बहुत बड़ी बात होती है, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस मिस यूनिवर्स कप का सफर? पहली बात तो थैंक यू सो मच, आपने बोला कि बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल 21 सालों के बाद इंडिया को ये क्राउन मिला है। पर ये सिर्फ मेरी नहीं, सबकी मेहनत थी और इसकी वजह से हमें ये क्राउन मिला है। कब से हम वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए। काफ़ी खुशनसीब महसूस करती हूँ मैं अभी, पर मैं कह कर गई थी जाने से पहले, पर मैं ओके आई थिंक आई शुड से काफ़ी खुशनसीब महसूस करती हूँ मैं, पर मैं कह कर गई थी कि मैं हर नाज हूँ और देश का नाज हूँ और मैं क्राउन ज़रूर लेकर आऊँगी, और मैंने आई थिंक वो किया, राइट? एंड आई एम हैप्पी, आई जस्ट कांट वेट कि मैं ये सब कुछ सेलिब्रेट करूँ इंडिया के साथ, एंड जो इश्यूज़ हैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ, आई एम डिटरमिन्ड उसके बारे में और अच्छे से बात करूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस आई थिंक हमारे देश के सारे यूथ के अंदर होना चाहिए कि मैं यहाँ जाऊँगी और ये जीत कर लाऊँगी, यू नो अरनाज जी, क्योंकि जितना मेरा नॉलेज है दुनिया में, पूरे ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे मॉडल हैं, मेल हों या फीमेल हों, लेकिन ये जो क्राउन किसी कुछ एक चुनिंदा लोगों के पास आता है, तो जिनमें से आप एक हैं, तो वेन वो क्राउन आपको पहनाया गया, वो मैं वीडियो भी देख रहा था, व्हाट्स योर फीलिंग? ओह माय गॉड, आई थिंक वो फीलिंग बहुत अनएक्सप्लेनेबल होगी मेरे लिए, क्योंकि जब उन्होंने इंडिया बोला तो मेरे को ऐसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इंडिया बोला, एंड मैं एकदम से रोई जैसे आपने वीडियो में देखा, बट आई थिंक जब मैं रोई तो मेरे साथ पूरा भारत भी रोया, और वो फीलिंग बहुत ही यूनिवर्सल थी। एंड मुझे वो जब मैंने क्राउन डाला तो शायद आपने देखा भी होगा कि मैंने उसको पहले उसका माथा टेका, एंड ऐसे कुछ इंटेंशनली कुछ नहीं, बस वो होता है ना, जैसे जब मेरा नेशनल क्राउन भी था जब मेरे को वो पहनाने वाले थे, तो मैंने जब पहना उसके बाद मैंने उसको भी मैंने माथा टेका। सो दैट समथिंग मेरे लिए वो क्राउन का मतलब ये नहीं है कि आप जीत गए हो, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, जो कि अभी मैंने देखा है बहुत लोग मुझे से बोल रहे हैं, दैट्स नॉट द रियलिटी। द थिंग इज़ वो क्राउन आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप जब कोई चीज़ लेते हो ना, जब आप कहीं पर भी जाते हो तो यू आर ग्रेटफुल, आप पहले उसका शुक्रिया अदा करते हो। तो मैंने पहले क्राउन का शुक्रिया अदा किया कि आपको लगता है कि मैं वो पहन कर उन सब बातों पे या उस क्राउन को अच्छे से संभाल सकूं, और वो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अपने देश के इंडिया से आती हूं और मैंने अपने देश को तो प्राउड करना ही है, बट अब मेरे ऊपर सब पूरी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब उन्होंने वो पहनाया तो मुझे तब से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हो गई थी, और मैंने बोला अपने आप को कि हाँ, अब तो जो करना चाहती है वो अब तो करेगी, एंड नाउ इट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। हरना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये बचपन से आप ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहती थी, या बचपन से आप ऐसे मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया इन सब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहती थी, या कब आपके दिमाग में आया कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए, या कैसे? हाँ जी, अब वैसे मैंने बचपन से कभी नहीं ऐसा सोचा था कि मैं मिस यूनिवर्स के लिए जाना चाहती हूँ, क्योंकि छोटे होते मुझे पता भी नहीं था मिस यूनिवर्स क्या होता है। पर जैसे मैं बड़ी होती रही और मैंने इंस्पिरेशन देखी सुष्मिता सेन मैम से, लाला दत्ता मैम से, एंड प्रियंका चोपड़ा से, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने भी इनके जैसे बनना है, यू नो, कि जिस वे में इन्होंने मुझे इंस्पायर किया है, मैं भी किसी लड़की को ऐसे इंस्पायर करना चाहती हूँ, किसी को भी, कि अपने आप पर हमेशा यकीन रखो और सब कुछ आपको मिलेगा अगर आपके नतीजे, आपकी आपकी जो नीयत है वो साफ़ है। तो ऐसे ही मैं मतलब मुझे अच्छा लगा जब मैंने रियलाइज़ किया, मेरे को ये पता चला कि मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, एंड मैंने ये भी देखा कि आई कैन बिकम अ मॉडल ऑल्सो। सो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया कि हाँ, मुझे ये करना अच्छा लगता है। जब आपको एक बार आपके अंदर वो जज्बा आ जाता है ना कि मैं ये करके दिखाऊँगी अपने लिए, तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं रख सकता। सो वो एकदम से आया व्हेन आई वाज 17 ईयर्स ऑफ द एज, तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, और जो मर्ज़ी हो जाए दुनिया में, मैं हमेशा डट कर रही हूँ कि कोई मेरा तहस नहस नहीं कर सकता। इनिशियली वो पंजाबी में कहते हैं ना कि इधर दो उधर कुछ नहीं कोई कर सकता, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता रहा मेरा एटीट्यूड, और यही मेरी एडवाइस होगी यंग वीमेन को ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि जब आपका आपके अंदर आपका अपने आप पर यकीन है, तो आपको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बहुत लोग आएंगे, आपको
मतलब नीचा दिखाने के लिए, या मे बी आपको ऐसे लगेगा कि मैं टूट जाऊंगी, पर आप जब तक आपका अपने आप पे कंट्रोल है कुछ भी नहीं हो सकता। ये रास्ता आप कहीं ना कहीं बॉलीवुड की तरफ भी जाता है, क्योंकि चाहे आपने बात की लारा दत्ता, सुष्मिता से, जितने भी लोगों को ये टैग मिला आज हम देख रहे हैं बॉलीवुड में उनका बहुत ही अच्छा नाम समझ। और आपने एक्टिंग की भी बात की, तो हम ऐसा माने कि अब भरनाज जी जो है इसके बाद ये एक साल तक का जो भी प्रोसेस है उसके बाद अब आप एक्टिंग में हम आपको देखेंगे ऐसे कुछ? वेल इट्स टू सून टू यू नो डिस्क्राइब दैट हाउ माई फ्यूचर विल लुक टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता है क्या होगा जिंदगी में। बट बीइंग एन एक्टर I am looking forward, जो भी होगा let's hope, let's see for the let's hope for the best to be honest, but acting हमेशा मेरा passion रहा है और मैं acting के through लोगों को inspire करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में सब acting से बहुत intimidated feel करते हैं, बहुत उनको ऐसा लगता है कि काश हम भी उस character में होते, काश हम भी उस movie में होते, तो पता है हमें कैसे सबको influence करना है, और अगर है वो कला तो आप उसको use करो सही ढंग में, एंड ये प्लेटफॉर्म से अपना अपने दिल की भी सुनो और लोगों को इंस्पायर भी करो, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। एंड फीमेल? दीपिका पादुकोण। आई थिंक बेस्ट ओम शांति ओम डुओ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नॉट ओनली एक्टिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑन स्क्रीन वो कैसे हैं, बट ऑफ स्क्रीन भी वो कैसे हैं। मेरे लिए हमेशा आर्टिस्ट, मैं हमेशा जब आर्टिस्ट को देखती हूँ एज एन ऑडियंस और एज एन एक्टर, तो मैं उनको उस ढंग से देखती हूँ कि ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी वो कैसे हैं। तो उनका दोनों का जो एटीट्यूड है वो काफ़ी डाउन टू अर्थ रहा है, और जिस ढंग से उन्होंने अपने आप को क्रिएट किया है, अपना ऑरा एंड हर चैलेंज को उन्होंने फेस किया है, आई थिंक वो हम सबको सीखना चाहिए। संजय लीला बंसाली, आई लव हिज वर्क, आई लव द क्वालिटी, जो वो मूवीज़ करते हैं वो मुझे बहुत ही मतलब वो आई लव इट, वो होता ना एक आर्ट को वो बहुत अच्छे में दिखाते हैं एंड हर चीज़ की डिटेल्स देखते हैं, तो उनको ज़रूर बहुत टाइम लगता है मूवी बनाने का, बट वो वर्थ इट होती है, एंड एवरी मूवी दैट आई वॉच्ड his movie, every movie, it's just the best till now, so no doubt he's my favorite. And favorite oh god, I think that is no favorite in that, to be honest, I'm sorry to say that, kyunki sabke opinions different hote hain, and I think especially I would like to you know, encourage the youth कि वो भी पार्ट ले इस चीज़ में, क्योंकि आप अपनी दुनिया का, आप अपनी देश का भविष्य हो, तो आपको पता होना चाहिए आपके देश में क्या हो रहा है, तो आप बनो अपने अपने यूथ आइकॉन, आप अपने आप बनो, आप बनो स्पीकर, क्योंकि हर इंसान बहुत अच्छा स्पीकर है, बस उसको ढूंढना है किसकी एबिलिटीज़ क्या है। इंस्पायर आई थिंक जो मेरी फेवरेट मूवी अभी तक की रही वो मैरी कॉम है, द वे उन्होंने, क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हूँ, सिर्फ बात ही नहीं, आई हैव सीन दैट क्लोजली, और मुझे पता है कि मैंने क्या ब्रेक करना है वो स्टेरियोटाइप, तो वो मैरी कॉम मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है। दंगल भी है, बट वो होता है ना कि जैसे हर मूवी अपने आप में अच्छी है, दंगल अपने आप में मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैरी कॉम अपने आप में, तो जब भी वो जो वो गाना है ना दिल जिद्दी है, आई थिंक वो हर इंसान में वो उसका दिल है वो ज़िद्दी, बस उसको ढूंढना है कि वो किस चीज़ के लिए ज़िद्दी है, और जब वो ज़िद्द पकड़ लेता है तो वही बात, कुछ नहीं उसका कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता। बिल्कुल, एंड जब वो ज़िद्द पकड़ लेता है तो हमारे सामने हरनाज प्रेजेंट होती है। सो क्योंकि आप चंडीगढ़ पंजाब से आती हैं हरनाज जी, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको आपके स्टेट के लिए अगर कुछ करने का मौका मिला, लाइक चंडीगढ़ के लिए अगर जहाँ से आप आती हैं कुछ करने का मौका मिला, कुछ ऐसे बदलाव लाने के होम टाउन में? वेल डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, सिर्फ मेरी कम्युनिटी में ही नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि आई थिंक राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क इज इम्पॉर्टेंट, उसके साथ साथ राइट टू चूज योर ओन पार्टनर्स बहुत ज़रूरी है, और ये हमें उनको समझाना है इसका मतलब क्या है, क्योंकि सबको पता है कि हमारी लेजिस्लेशन पावर, क्योंकि सबको पता है हमारी लेजिस्लेशन पावर कंट्री की सबसे स्ट्रॉन्ग है, वी हैव द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बट हमें एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिविजुअल्स को समझाना पड़ेगा, उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी, बट
लेट्स बी प्रैक्टिकल. क्लाइमेट चेंज के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक वो बहुत ही ऑब्वियस है. उसको ये नहीं मैं कहूँगी कि ये एडवोकेसी है मेरी, क्योंकि वो हर इंसान की एडवोकेसी होनी चाहिए ऐसे. तो चंडीगढ़ इज़ अ वेरी क्लीन एंड ब्यूटिफुल सिटी. तो वहाँ से मैं सिखवाना चाहती हूँ सबको, जैसे चंडीगढ़ इज़ वेरी ऑर्गेनाइज, चंडीगढ़ इज़ वेरी क्लीन. तो बाकी सिटीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में, मे बी अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ लाइक इज़राइल में हम गए थे, तो इज़राइल इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स टूवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, और हमें उन कंट्रीज से सीखना चाहिए. बट अगर मैं इंडिया के बीच में रहकर बताऊँ कि चंडीगढ़ से हमें क्या सीखना चाहिए, रादर देन मैं ये कहूँ कि चंडीगढ़ में क्या बदलाव आना चाहिए, तो आई थिंक वो क्लीन ब्यूटीफुल सिटी कैसी है उस पर हमें सीखना चाहिए. लव पूरा राज्य के खाना खाना पसंद है. आई थिंक नाउ एवरीबडी नोज दैट, बट लेट मी टेल यू वन मोर डिश विच आई लव. मक्खी दी रोटी सरों दा साग इज श्योरली माई फेवरेट, एंड राजमा चावल. सो आई थिंक वो सबके फेवरेट है. वाओ. जाना चाहते हो? इज़राइल मेरी एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी, जीता बिल्कुल इन द होली लैंड. तो थैंक गॉड मेरा वो फुलफिल हो गया. अपार्ट फ्रॉम पेरिस, जहाँ आई थिंक सब जाना चाहते हैं, मुझे अपना भारत भी बहुत पसंद है, सो एज अ नो ऑफेंस, बट मैं जापान ज़रूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है एंड वो इतने फोकस्ड है वहाँ पर, यू नो दे रिस्पेक्ट टाइम, एंड आई थिंक टाइम इज़ टाइमलेस. तो वो मैं वहाँ पर जाके देखना चाहती हूँ कि वो कैसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उनसे कुछ सीख कर मैं उसको आगे ही आगे जिस कंट्री में जाती रहूँगी उससे कुछ सीख कर और नेक्स्ट कंट्री को पास करूँगी, उनसे कुछ सीख कर नेक्स्ट कंट्री को पास करूँगी. आई थिंक इट्स नेवर इनफ, क्योंकि हर कंट्री से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलेगा, और मौका मिले तो पूरी दुनिया घूमना चाहूँगी मैं. बिल्कुल, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है. मैं अपने आप को एज अ प्रोफेशनल सिंगर नहीं बुलाती हूँ, शौक से ही मैं सिंगिंग करती हूँ. वन सेकेंड, सॉरी. मैं अपने आप को एज अ प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं बुलाती हूँ, बट मुझे सिंगिंग करने का बहुत शौक है. मुझे कपलेट्स, शायरी लिखने का बहुत शौक है. मैं मिमिक्री, मुझे लगता था एक मेरा हिडन टैलेंट है, बट आई थिंक वो सबको पता चल गया. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, क्योंकि मेरे दादाजी फार्मर थे और मेरे मॉम को गार्डनिंग का समय होता है ना, कैसे आपको वहीं से आता है. तो मुझे नेचर के साथ भी रहना बहुत पसंद है. तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हरनास को डिफाइन करती. ज़रूर आप चाहते हो कि मैं किसी फेमस पर्सनालिटी की मिमिक्री करूं, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा जब तक मैं किसी की बायोपिक करूंगी. राइट, आई थिंक नर्वस इज़ अ वेरी वेरी नेचुरल फीलिंग. कुछ गलत नहीं है अगर आप नर्वस फील करते हो, पर उसको ओवर पावर कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर में इंसान वो ही सक्सेसफुल हो जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके. एंड ज़रूर मैं थी नर्वस जैसे हर लड़की थी, पर एट द एंड मैंने अपनी विजन को देखा और मैंने अपने आप को बार बार स्टेज पे चढ़ने से पहले ये सवाल पूछा कि मैं क्यों आई हूँ, और ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा. तो दैट वन मिनट ऑफ माई लाइफ कैन डिसाइड कि मेरी लाइफ में क्या होगा आगे, और जो होगा अच्छे के लिए होगा. और अपने आप पे यकीन रखो तो ही आपको सब कुछ मिल सकता है. तो मैंने जब स्टेज में थी, आई वॉज बींग माई सेल्फ, मैं किसी और की तरह नहीं दिख रही थी. मैं भूल गई थी मेरे आसपास कितनी सुंदर लड़कियां हैं, कितनी टैलेंटेड लड़कियां हैं, कितने लोग बैठे हैं. मैं बस अपने आप पे ध्यान दे रही थी. आई थिंक तभी आप जीत सकते हो अपने आप से. थैंक यू सो मच. थैंक यू.